हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल बाय नेहा। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम इसके और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितने ज़्यादा पैटर्न्स के हम आपके क्वेश्चंस सॉल्व कराएं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कोई भी नया क्वेश्चन यदि आपको मिल जाए एग्जाम में तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। और यदि कोई बच्चों का कोई भी वीडियो मिस हुआ हो तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट में आपको इस रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां आपको सीक्वेंस में सारे लेक्चर मिल जाएंगे। वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को फिर से बढ़ा सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज कौन सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू 2px प्लस पी की पावर एन। तो हमें पता है कि LHS में वाई सिंगल है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है। यदि y के फॉर्म में है, क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर y है, तो सबसे पहले हमको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए प्रोडक्ट लगेगा, तो 2p x का 1 हो गया प्लस 2x p का 1 और साथ में क्या आएगा dp अपॉन dx प्लस p की पावर n का क्या होगा n p की पावर n माइनस 1 इंटू dp बाय dx। क्लियर है, हमें पता है कि dy बाय dx को हम क्या मानते हैं, p इज इक्वल टू 2p प्लस, यहाँ देखिए 2x प्लस n p n माइनस 1 इंटू dp बाय dx, dp by dx हमने कॉमन ले लिया। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, इसमें हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब p को इस साइड ले आते हैं तो 2p माइनस पी पी, और ये जीरो हो जाएगा यहाँ, तो 2p माइनस पी प्लस 2p माइनस पी प्लस 2x प्लस एन पी एन माइनस 1 dp by dx इज इक्वल टू जीरो, या हम बोल सकते हैं कि p प्लस 2x प्लस एन पी एन माइनस 1 और ये dp बाय dx इज इक्वल टू जीरो। अब ये dp बाय dx को हम क्या कर देंगे, पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे, या हम इसको वेरिएबल सेपरेबल से नहीं लगाएंगे, अभी हम इसको क्या करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो p ये dx अपॉन dp हो जाएगा, जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस 2x प्लस एन पी और ये n माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना। अब देखिए हम इस p से पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो dx अपॉन dp इज इक्वल टू 2x बाय p, ये लिख सकते हैं, प्लस एन पी एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू जीरो, या हम बोल सकते हैं कि dx अपॉन dp प्लस 2x अपॉन p इज इक्वल टू, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस n, और p यदि ऊपर जाएगा तो n p की पावर n माइनस 2। क्लियर है, ऊपर p इनवर्स बेस सेम होगा तो n माइनस 1 माइनस 1 तो n माइनस 2। और यदि इक्वेशन सेकंड देखें तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल x, किस पर है, x वेरिएबल पर लीनियर है ना। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने सारे मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि यहाँ भी आपको कुछ स्टडी करना है, अपने कॉन्सेप्ट को और नॉलेज को और इंक्रीज करना है, तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी सीक्वेंस में, आप उनको क्रम से अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, किस पर वेरिएबल है, एक्स पर, है ना। क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो अब इसको हम जनरली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dp
प्लस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। यदि हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 2 बाय पी है। ए की वैल्यू क्या है, 2 बाय पी है। और बी की वैल्यू कितनी है, देखिए माइनस एन पी एन माइनस टू, माइनस ऑफ एन पी एन माइनस टू। अब हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ए इंटू डी पी। वट इज द ए, 2 बाय पी, दैट मीन्स ई रेस टू द पावर 2 और हम ये 1 बाय पी इंटू डी पी। और 1 बाय पी का हमें पता है लॉग ऑफ पी, तो ई टू लॉग ऑफ पी, या हम इसे लिख सकते हैं ई लॉग पी स्क्वायर या पी स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें कितना मिल गया, ओनली पी स्क्वायर, है ना। अब इसका इक्वेशन सेकंड का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। अब उसकी ट्रिक होती है, हम इसे क्या लिखते हैं, लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी पी प्लस ऑफ c। रख दीजिए वैल्यू, आपको पता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या मिली है, माइनस एन पी की पावर एन माइनस टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी स्क्वायर डी पी प्लस ऑफ सी। क्लियर। अब देखिए एक्स पी स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस एन, ये क्या हो जाएगा, पी की पावर एन माइनस टू प्लस ऑफ टू डी पी प्लस ऑफ सी। क्लियर। अब ये क्या मिल जाएगा, एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन पी की पावर एन डी पी प्लस ऑफ सी। अब इजली इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स पी स्क्वायर माइनस एन, ये क्या हो जाएगा, पी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन और प्लस ऑफ सी। देखिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को, आई होप कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब पी स्क्वायर को हम डिवाइड में कर देते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एन पी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर एन प्लस वन प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर देखिए ऊपर शिफ्ट होगा तो माइनस टू, तो एन प्लस वन माइनस टू, दैट मीन्स एन माइनस वन हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एन पी की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई और हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। अब इस एक्स की वैल्यू हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू टू पी, एक्स की वैल्यू क्या मिली है, देखिए माइनस एन पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ऑफ पी की पावर एन। अब इसे हम चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नहीं यदि सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे ही आप रखे रहिए, ऐसे ही कर दीजिए, ये लगे तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसे क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, फोर्थ। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल गई, तो एक्स और वाई मिलकर ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हमें क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। दस द रिलेशन थर्ड एंड फोर टुगेदर constitute the required solution। तो थर्ड और फोर्थ मिलके ही हमें फर्स्ट का सॉल्यूशन देंगे, तो हम उसे सॉल्व नहीं करना, बस हमें ये लिख देना है। क्लियर है, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई हो और आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। और साथ ही साथ ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा भी जाता है, है ना, यूनिवर्सिटी वगैरह में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग बहुत
ध्यान से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।